जब उसको घर से लेके वो लोग वन विभाग की टीम लेके निकली थी, उनके साथ ही पीछे पीछे हम भी निकले थे, तब से अभी हम भी घर नहीं गए वापस। आप घर वापस गए कब से? काफी परेशान था, हमें लग रहा उसका वेट भी कम हो गया है। किसी को पता नहीं चलता अगर वीडियो ना वायरल हुआ होता। फोन कॉल्स इतने आ रहे हैं कि मेरा फोन दिन भर बोला ही करता है। आपका मामला जो कि एक पक्षी प्रेम से जुड़ा हुआ था, क्या वो मामला राजनीति के दायरे में आ गया? खाना मांगना होता था तो कैसे आपसे खाना मांगता था? चोट से ऐसे ऐसे मेरे सर कहीं कंधे पे कहीं पीठ पे तो ऐसे ऐसे करने लगता। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा हम देखते हैं कभी कि माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो कई बार इरिटेट हो जाता है, ये जेलस फील करता है। कोई भी अगर मेरे पास आए तो उसे ये काटने दौड़ता था, उसको आजाद कर दिया जाए। नमस्कार, न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। प्रेम इस दुनिया के मानव जीवन के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, लेकिन हाल के दिनों में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने ये बताया कि प्यार जो अमूमन किसी के दिल को भी छू सकता है, कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकता है, बुरे से बुरे किस्म की नफरत को दूर कर सकता है, क्या वही प्यार राजनीति के दायरे में भी आ सकता है? और ये घटना अपने आप में चौंकाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमेठी में रहने वाले मोहम्मद आरिफ, जो कि अपने गांव में कम से कम सारस के दोस्त के नाम से मशहूर हो गए थे, उनका फेसबुक प्रोफाइल कुछ इसी तरह से उन्हें इंट्रोड्यूस भी करता है, उनके पास जो सारस पक्षी पिछले साल एक हादसे के बाद पहुंचा, चोट लग गई थी तो उन्होंने उसकी देखरेख की, बड़े प्यार से उसको बड़ा किया जैसे किसी बच्चे को रखते हैं, अचानक एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो बाइक पर चल रहे हैं और सारस उनके ऊपर उनके साथ साथ उड़ता उड़ता दिखाई दे रहा है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, इंटरनेट सेंसेशन का ज़माना है, और वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश की हलचल थी, तो विपक्ष के बड़े चेहरे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके घर जा पहुंचे। अखिलेश यादव के वहां पहुंचकर उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में आने की देरी थी कि फौरन एक्शन हो गया और वन विभाग के अधिकारी मोहम्मद आरिफ के घर पहुंचे। वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 की गंभीर धाराओं के तहत उन पर केस हो गया, FIR हो गई, सारस को वापस पक्षी विहार छोड़ा गया। लेकिन देखिए, प्यार का रिश्ता तो इस तरह की वायरल खबरों से और धाराओं से, कानूनों से इन सबसे बड़ा ऊपर है। सारस ने पक्षी विहार जाके खाना खाना छोड़ दिया, क्योंकि आदत थी आरिफ के हाथ से खाना खाने की, उसकी प्लेट में साथ बैठकर खाना शेयर करने की। जब तक आरिफ अपनी बाइक से निकले तो जैसे छोटा बच्चा जिद करता है और उसे फिर एक चक्कर आपको घुमाना पड़ता है उसको बताने के लिए कि चलो तुम्हें घुमा दिया, अब हम काम पर जाते हैं। जो पक्षी इस अंदाज में पिछले एक साल से बड़ा हो रहा था, अचानक जंगल के नियम उसको समझ में नहीं आ रहे थे और इसीलिए उसने खाना पीना छोड़ दिया या उदास हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर भी ट्वीट कर दिया, आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही है, कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी इस पर रिएक्ट कर रही है, यानी ऑपोजिशन को इसमें भी एक मामला दिखाई दिया। तो वहीं प्रशासन का ये कहना है कि ये गंभीर कानून की धाराओं के तहत आता है, क्योंकि सारस पक्षी को आप यूं घर में पालतू नहीं बना सकते, पाल नहीं सकते, तो कानून का उल्लंघन हुआ है कानून की नज़र से। लेकिन इस घटना के दो पहलू हैं, एक है कानूनी पहलू, एक है राजनीतिक पहलू, और इन सब के बीच में कहीं पर आता है मानवीय पहलू। तो उसी मानवीय पहलू को आज छूने की कोशिश कर रही हूँ, और आरिफ गुजर से आज की स्थिति क्या है, सारस पक्षी किस हालत में है, क्या वो मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं, इस पर बात कर रही हूं, और जो बातें उनसे पता चली चौंकाने वाली थी। आज अगर एक व्यक्ति के नाम के साथ उसका इंट्रोडक्शन ये देकर कहा जाता है कि आरिफ गुजर सारस के दोस्त, मुझे लगता है ये इतना खूबसूरत एहसास है, बोलते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है और उतनी ही खुशी आज आरिफ साहब से मिलकर भी हो रही है। आरिफ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बीट्स पर। जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप गाड़ी वाड़ी में बैठे हैं, कहीं जाने की तैयारी है, कहीं सफर आप शायद कर रहे थे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सारस का दोस्त, आज पूरा हिंदुस्तान आपको इस नाम से जान रहा है, पहचान रहा है, लेकिन
जिस दोस्त के नाम से आप जाने जा रहे हैं वो दोस्त आपके पास नहीं है। तकलीफ होती है इस बात पर? तकलीफ तो बहुत होती है, आप समझ सकते हैं, जो लगभग एक साल से मेरे साथ रहा हो और पाले तो नहीं थे उसको हम, सिर्फ खेत में वो मिला था, घायल था, तो हम उसका इलाज किए थे और इलाज करने के बाद हमने सोचा चला जाएगा जंगल में। जंगल में वो गया ठीक होने के बाद, पर वापस आता जाता रहा। जब उसको भूख लगती तो वो घर आ जाता, दरवाजे पे खड़ा हो जाता। उसके बाद वहाँ कोई कुछ खाने के लिए गेहूँ या दाल सब्जी रोटी जो रहता दे देता, खाने के बाद दे देते खा लेता, तो खाने के बाद फिर वापस जंगल चला जाता। ऐसा उसका चलता रहा। जब उसका दिल करता घर आ जाता, जब दिल करता जंगल में चला जाता, अपने परिवार में चला जाता, ऐसा हो गया था। ना कभी उसको हम बंद किए थे, ना कभी किसी चीज से बांधे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज कितने दिन हो गए हैं उसके बिना जीते हुए? 21 तारीख को गया था, करीब एक हफ्ते का वक्त जो है वो एक हफ्ते ज्यादा हो गया। दिनचर्या में फर्क आया है आपका? जैसे आप पहले दिन बताया करते थे उठना है, उसका ख्याल रखना है, साथ में कुछ टाइम आप लोग स्पेंड करते थे, फर्क आया है? क्या फर्क आया उसके जाने के बाद जीवन में? फर्क तो अभी बहुत बड़ा आ गया है, क्योंकि जब वो घर से निकला था, जब उसको घर से लेके वो लोग वन विभाग की टीम लेके निकली थी, उनके साथ ही पीछे पीछे हम भी निकले थे, तब से अभी हम भी घर नहीं गए वापस। आप घर वापस गए हैं तब से? नहीं, तब से घर वापस नहीं गए। एक दिन पहले गए थे, एक घंटे के लिए सिर्फ गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर वापस चले, इसीलिए आपको हम गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है। अभी आपका जीवन कैसे चल रहा है? आप अभी किस तरह की लाइफ बिता रहे हैं? अभी तो हमारी लाइफ इसी गाड़ी में बीत रही है, बस इंतजार है उस दिन का जब मुलाकात हो जाए उससे एक बार, तो उसके बाद हम घर जाएं। बोले हैं क्वारंटाइन खत्म होने में अभी टाइम है, 15 दिन क्वारंटाइन रहेगा, तो 5 दिन हो गए, 10 दिन और बचा हुआ है। अभी 10 दिन हम इंतजार करेंगे, उसके बाद मिल लेंगे उससे एक बार, तो फिर घर जाएंगे। लास्ट अभी आपकी अथॉरिटीज से, प्रशासन से क्या बात हुई? क्या आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे? क्योंकि मैं अखबार देख रही थी तो एक जगह पर मुझे खबर ये दिखी कि आप गए थे और दूर से सीसीटीवी से आपको सारस दिखाया गया। जी जी, हम गए थे वहां कानपुर, तो वहां सीसीटीवी कैमरे में हमको दिखा दिया गया। दिखाने के बाद फिर वापस कर दिया गया, बोले कि क्वारंटाइन खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पास से। आपने सीसीटीवी से देखा तो कैसा दिख रहा था उसकी हेल्थ वगैरह, और आपको क्या समझ में आया उसकी अपीयरेंस देखकर? हेल्थ परेशान दिख रहा था हमको, वो उसके सामने खाना रखा हुआ था, वो खा नहीं रहा था। अब उसमें सीसीटीवी में उतना क्लियर नहीं दिख रहा था उसमें क्या रखा है खाने के लिए, कुछ रखा था पर में हमको दिख रहा था। और तो एक आध बार थोड़ा सा खा भी ले रहा था, क्योंकि इंसान कब तक भूखा रह सकता है, इंसान हो या पक्षी हो। तो काफी परेशान था, हमें लग रहा उसका वेट भी कम हो गया है, देखने से ऐसा लगता है। बाकी डॉक्टर हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे, हमसे अच्छा ख्याल शायद रख लेंगे वो। मैंने जब इस कार्यक्रम की बातचीत की हम शुरुआत कर रहे थे उस टाइम मैंने एक बात की थी कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो रहते हैं फिल्मों के बड़े शौकीन होते हैं, और ऐसी तमाम फिल्में हमने देखी हैं, चाहे हाथी मेरे साथी, तेरी मेहरबानियां, अंग्रेजी की फिल्म हाची, ऐसी फिल्में जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है और समाज को एक प्रेरणा, एक संदेश देती है। आपका पहला वीडियो शायद जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ वही एहसास लोगों को हुआ था जी। क्या आपको लगता है कि शायद वो वीडियो ही अगर वायरल नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ होता आपके साथ, या जिंदगी आज ऐसी ना होती? क्या है आपके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? किसी को पता नहीं चलता अगर वीडियो ना वायरल हुआ होता तो। रही बात वीडियो वायरल, वो वीडियो हमने नहीं बनाया था जो वायरल हुआ था। हम अपने घर से मार्केट गए हुए थे, जो हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है जहाँ गए थे, तो वहाँ से हम वापस आ रहे थे। एक रिपोर्टर थे जो है वही वीडियो क्लिप बना लिए थे अपनी 4-व्हीलर से, हमको देखा, उनसे हमारी जान पहचान भी नहीं थी, वही क्लिप बना के वो अपलोड किए, तो वही वीडियो वायरल हुआ है। मेरे चैनल से कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था पहले।
अच्छा सारस, जब आपके पास आया था, आपको क्या उस समय ऐसा कुछ एहसास था कि कानूनन ये कभी कोई मसला हो सकता है, या जंगल कानून के तहत, वन जीव कानून के तहत आपको कोई मुश्किल हो सकती है? उस टाइम ऐसा कुछ अंदाजा था आपको? नहीं, वैसा ज्यादा हमको कुछ नहीं था, पर इतना पता था कि जो है अगर कैद करेंगे, इसको बंद करके रखेंगे, बांध के रखेंगे, कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, तभी दिक्कत होगी। तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं था, इसलिए हम ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो आज दिन की भर नहीं तारीख मेरे में पास रहता था, दिन रात नहीं मेरे पास रहता था, दिन में अपने परिवार के पास चला जाता था, उसके बाद फिर वापस जो आता था उसका जब उसका ठीक आपके रहता था। आपके घर में, मतलब उसने एक पनाह ढूंढ ली थी कि अगर कभी लौटता था जंगल की तरफ या हरियाली अपने परिवार की तरफ, तो वापस फिर कभी कभी बीच बीच में आपके पास आया करता जी। था। अभी दिन भर में कितने फोन कॉल्स आते हैं आपको? कितने लोग फोन करते हैं या हाल पूछते हैं कि क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है, सारस वापस आएगा नहीं आएगा, आप मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे? फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के बहुत सारे? फोन कॉल्स इतने आ रहे हैं कि मेरा फोन दिन भर बोला ही करता है, उसमें कितने मैं रिसीव कर पाता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि दिन भर में 500 रिसीव कर ले रहा हूँ, 1,000 रिसीव कर ले रहा हूँ, 200 रिसीव कर ले रहा हूँ, ऐसे कुछ अच्छा, अरे जी, फोन कॉल्स तो आपको बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के हाँ। मन में है, क्या पूछते हैं, क्या उनको लगता है? लोग काफी परेशान हैं, जो लोग मेरे पास फोन करते हैं हमसे और सारस से मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, जिनको लगता है दोनों लोग को साथ रहना चाहिए, बहुत लोग परेशान हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं वो रोते हैं, और बड़े हैं वो भी रोते हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोग रोते हैं, बोलते हैं मजबूर है, क्या कर सकते हैं इसमें। सब लोग दुआ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ढेर सारी कॉलें आती हैं, जब कॉलें सारिस आपके करने पास की आया था, मेरे रिसीव कैसी करने हालत के में ऊपर मिले? है कितना रिसीव कर ले जाऊं कॉल। जब सारिस आपके पास आया था तो कैसी हालत में था वो उस समय? उसका एक पैर टूटा हुआ था, फिर आपने कैसे उसको इस दौरान ट्रीट किया, उसको कैसे संभाला? घर में जैसे देसी इलाज होता है, मुर्गियों बकरियों को पैर टूट जाता है तो गांव में जैसे देसी इलाज किया जाता है वैसे भी हम। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी आरिफ जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, सबकी नजर गई, लोगों ने खूब प्यार दिया, लोगों ने खूब बात की उसके बारे में, लेकिन अखिलेश यादव जी जब आपसे मिलने के लिए पहुंचे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन शायद उनकी मुलाकात क्या मौजूदा सत्ता को नहीं सुहाई, और अचानक आपका मामला जो कि एक पक्षी प्रेम से जुड़ा हुआ था, क्या वो जी मामला राजनीति के दायरे में आ गया और इस वजह से परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं? आपको क्या समझ में आता है इस मामले में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से वो मामला जो है राजनीतिक तो हम नहीं कह सकते, फिर हर और हाईलाइट हो गया था, जिन लोग को नहीं पता था, जो कम वायरल हुआ था उनके आने के बाद और ढेर सारे न्यूज चैनल पे चल गया, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी पता चल गया था। अरिफ जी, आपसे मिलने के बाद अखिलेश यादव लौटे, पॉलिटिकल मामला हुआ, सारस पक्षी को उसके पर्यावरण नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा गया, वन्य अधिकारियों ने एक्शन लिया, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अखिलेश यादव जी ने उसके बाद भी इस मामले का फॉलो अप नहीं छोड़ा, और उनके कई ट्वीट्स मेरे सामने हैं, जिनमें से एक में वो लिखते हैं, अखबार की एक कटिंग उन्होंने शेयर की है, और वो लिखते हैं, सारस है उदास, ये कैसा अमृतकाल? अमृतकाल जो कि मौजूदा सरकार का एक नारा है 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी की, तो आपको लगता है कि वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं बार बार इस मसले को लेकर? कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, एक हाइप जो है इस मामले पर बढ़ रहा है। नहीं, अब ये सब तो हम नहीं कह सकते, फिलहाल जो सारस उदास है वो सच में उदास है, क्योंकि पहले मेरे यहाँ आजाद था, वो जहाँ मन करे आता था जाता था, उसको चिड़ियाघर में क्वारंटीन करके पिंजरे में कैद कर दिया गया है, इसलिए हमको काफी परेशान दिखता है। अभी आपको क्या उम्मीद है? आपको मतलब हालांकि वापस लौट पाना तो बड़ा मुश्किल लगता है कि जी उसको वापस लाया मुश्किल जाए, है, लेकिन हम चाहते हैं उसको, हम पाले नहीं थे, हम चाहते हैं उसको आजाद कर दिया जाए। आजाद करने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या आजाद होना करने का चाहिए? मतलब कि उसको जो है कहीं ले जाकर जहाँ ज्यादा सारस पक्षी दिखे वहीं ले जाके उनको छोड़ दिया जाए, या जहाँ मेरे यहाँ जो जंगल है जहाँ रहता था वहां पे ले जाके उसको रिलीज कर दिया जाए, जहाँ इनका दिल करे, वन विभाग का जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनका, कुल मिला के उसको आजाद कर दिया जाए,
वो अपनी नेचुरल जिंदगी जी सके जैसे पहले जीता था। अच्छा, एक बड़ा मैं पर्सनल सा सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, क्योंकि हम मैं मेरे कई दोस्त हैं जिनके घर में पेट डॉग्स हैं, कई ऐसे हैं जिनके घर में कैट्स हैं, तो ये थोड़े से डोमिसाइल पेट्स होते हैं जिनको घर में रखना पालना आसान है। आपने तो एक सारस पक्षी को अपने घर में पाला, अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया जब तक वो आपके पास रहा, सारस पक्षी को अपने बच्चे की तरह रखने का क्या मतलब होता है? वो कितना अलग था बाकी पेट्स से, या उसके साथ में आपका रिश्ता क्या था? जैसे कि वो हमको वो बीमारी हालत में मिला था, उसका पैर टूटा हुआ था, और हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ रहने लगेगा या मेरे साथ खाना खाने लगेगा या मेरे साथ उड़ने लगेगा, ऐसा कुछ हमने कभी नहीं सोचा था। आप कभी तबीयत ठीक ना रही हो या कभी आपका मूड ऑफ हुआ हो, ये उसको पता चलता था? उसको इस बात का एहसास होता था कि आज आरिफ भैया का मूड अच्छा नहीं है, आज परेशान है या दुखी है थोड़े? नहीं, बिल्कुल वो समझता था। जब मैं चुपचाप कभी बैठा रहता था, कुछ नहीं बोलता था, तो वो भी आके चुपचाप मेरे साइड में खड़ा हो जाता था और कुछ नहीं बोलता था। और अगर खाना मांगना होता था तो कैसे आपसे खाना मांगता था? उसके खाना मांगने का क्या तरीका होता था? खाना मांगने के लिए जैसे मैं देखता हमको या उसका कर दो, तो अपनी चोंच से ऐसे ऐसे मेरे सर कहीं कंधे पे कहीं पीठ पे, तो ऐसे ऐसे करने लगता, तो लेते भूख लगी इसको। इंसान की और सारस की भावनाओं में कितना फर्क था? जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा हम देखते हैं कभी कि माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो कई बार इरिटेट हो जाता है या जेलस फील करता है कि अच्छा मेरी माँ को कोई दूसरा ये, ये जब मेरे पास था तो कोई भी अगर मेरे पास आए तो उसे ये काटने दौड़ता था। अच्छा जी, और ज्यादातर जैसे कोई लेडी अगर हमारे पास आए अगर खड़े हो तो उसको तो और तेज काटने दौड़ता था। ऐसा भी था? अभी कौन कौन है आरिफ जी आपके घर में, कौन कौन है परिवार में, कौन कौन है? मेरी वाइफ है, दो बच्चे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। तो आपका तो पूरा मतलब भगवान की कृपा से पूरा भरा पूरा परिवार है। सारस की कमी लेकिन खलती है, सबको खलती है, सब उसे मिस करते हैं। दरवाजे पर अक्सर घूमा करता था खेत में, पास में जो मेरा खेत है उसमें गार्डन थोड़ा है, जैसे गांव में पेड़ लगे रहते हैं आम के, अमरूद के, नींबू के, तो इसी तरह थोड़ा सा उसमें घूमा करता था, जहाँ उसका दिल करे वहाँ आजाद रहता, गांव में घूमा करता था। अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हो, तो कोई ऐसी बात जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं या कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं? उसको आजाद कर दिया जाए बस। आपको क्या ऐसा भी महसूस होता है कि अगर अखिलेश यादव जी आपसे ना मिले होते तो शायद ये सब कुछ ना हुआ होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब उनके भैया के मिलने से मामला हाई लाइट हुआ था, जिनको नहीं पता चलना चाहिए था उनको भी पता चल गया। बस आखिरी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। मेरी तो देखिए यही उम्मीद है कि जो आप चाहते हैं वैसा हो जाए, लेकिन कोई एक बात जो आपको आज सारस का किस्सा देशवासियों को बताना है, क्योंकि सारे पक्षी प्रेमी प्रकृति प्रेमी इस वक्त आपके साथ जैसे जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है, आप बाइक से कहीं जाने लगे तो उसको पहले दरवाजे पे ऐसे एक दो राउंड लगाना पड़ता है, उसके बाद बच्चे को उतारिए तो वो आपको जाने देगा। वैसी हरकत इसकी भी थी, अगर हमको देख लेते खेत में, अगर सामने रहते जब बाइक स्टार्ट करते, अगर इसको पता चल जाता जा रहे हैं तो पहले एक दो किलोमीटर मेरे साथ उड़ते हुए जाते, उसके बाद हमको वापस आना पड़ता, जब ये खेत में फिर चले जाते तो उसके बाद दोबारा हम जाते थे। क्या बात है, देखिए प्रेम की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम के अपने कोई दायरे नहीं है, और सारस के साथ आपकी दोस्ती, आपका प्यार, अपनत्व कहीं ना कहीं उसने पूरे देश को छुआ है, और इसीलिए हर वो इंसान जो प्रकृति को प्यार करता है, जीव जंतुओं को प्यार करता है, पक्षियों को प्यार करता है, उनके दिल में भी वैसी ही कसक है जैसी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई सुझाव या कोई हल जैसी बात तो नहीं है, लेकिन उम्मीद सिर्फ यही कर सकती हूँ, प्रार्थना सिर्फ यही कर सकती हूँ कि उस पक्षी के लिए और आपके लिए जो अच्छा हो वो जरूर हो।
बहुत धन्यवाद आरिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये जो प्यार वाली फीलिंग जो आपके अंदर पक्षियों को लेकर थी ना, इसे इसे हमेशा बरकरार रखिएगा। ये दौलत है जो अल्लाह ने आपको बख्शी है जी।